मेरे पूरे YouTube फैमिली को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो जी, यहाँ मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। वैसे तो हमारा दाल और सब्जी बनाने का काम खत्म हो चुका है, बस अभी मुझे चावल ही बनाना है। पर थोड़े से मैं सासू माँ के लिए पोखालो बना दूंगी, पर सिंपल तरीके से बनाऊंगी, कुछ नहीं डालूंगी। पर मैं कभी कभी यह करती हूँ कि जब मुझे पखालो बनाना होता है तो मैं उसमें रागी डालती हूँ, जिसे हम उड़िया में मांडिया कहते हैं, या फिर मैं पखालो में कभी कभी खट्टे साग डालती हूँ, इसे पखालो में बहुत अच्छा टेस्ट आते हैं। तो यहाँ मैंने चावल को दो भाग कर दिया, एक थोड़े से पखालो के लिए और बाकी जो हमारे लिए। और वैसे भी अभी सर्दियों का समय है तो मैं ज्यादा पखालो बनाती नहीं, पर अगर सासू माँ को खाने का मन हो तो मैं कभी कभी बना देती हूँ। और यहाँ हमारे उड़ीसा में ज्यादातर गर्मियों के समय पखालो ही खाते हैं। तो दोनों बर्तन में मैंने जो चावल डाले हैं उसे अच्छी तरह से धोते हुए मैं बैठा दूंगी ताकि जल्दी हमारा पक जाए। और अभी सर्दियों का समय आ चुका है तो मैंने जो भी गर्मियों के समय कंबल रखे थे सारे कंबल को आज निकाल कर धूप लगा दूंगी। और अभी 12 बजने को है और धूप भी अच्छी तरह से निकल चुके हैं, तो जब तक हमारा चावल पक रहे हैं तो ये सारे कंबल को मैं बाहर धूप में सुखा देती हूँ। वैसे तो मैंने सुबह ही सोचे थे कि सारे कंबल को धूप में सुखा दूं, पर सुबह धूप अच्छी तरह से निकले नहीं थे। तो देखिए अभी धूप कितनी अच्छी तरह से निकले है, तो मैं दोनों कंबल को अच्छी तरह से इस तरह से सुखा देती हूँ। वैसे तो मुझे और भी कंबल निकालना था, पर क्या करें, वायर हमारा थोड़े कमजोर है तो ज्यादा प्रेशर दे नहीं सकते, तो मैंने आज दो ही निकाले हैं। देखते हैं कल अगर मौसम ठीक रहा तो और निकाल दूंगी। बस मैंने आज दो ही निकाले हैं, एक रेयान के लिए और एक सासू माँ के लिए। तो कंबल सुखाने का तो हमारा काम हो चुका है। तो देखिए ये हमारा छोटा सा गार्डन जहाँ देखिए जोनी लगे हैं, जिसे हम झीका भी कहते हैं, तो इसे हम तोड़ देंगे। फिलहाल तो अभी हम इसे बनाएंगे नहीं, देखते हैं शाम को अगर बनाना होगा तो बना लूंगी। ज्यादा नहीं, बस 6 से 7 ही लगे हैं, तो सारे झीके को मैं तोड़ दूंगी। तो देखिए इतना ही निकला है, शाम को बनाऊंगी, नहीं तो कल मैं लंच में बना दूंगी ये झीका को। तो ये देखिए बातों ही बातों में हमारा चावल हो चुका है और देखिए ये पखालो भी हमारा हो चुका है। तो जी यह हमारा लंच बनाने का काम तो हो चुका है, अब हमारा काम है कि सभी लोग मिलकर लंच कर ले। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले। तो जी सभी का लंच हो चुका है और ये वीडियो हमारा शाम का लगभग 4 बज गए हैं। और अभी मैं कर रही हूँ कि ये साग की साफ सफाई, और आप लोग ये साग को क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। ये साग हमारा ड्रमस्टिक के पत्ते हैं, जिसे हम सजना के पत्ते भी कहते हैं। तो आज मैं ये सजना के पत्ते को साफ कर लूंगी ताकि मैं लंच में कल बना सकूं। तो यह काम मैं आज ही कर दूंगी क्योंकि इसे साफ करने के लिए थोड़े वक्त लग जाते हैं, तो अगर मैं आज कर दूं तो कल मैं आसानी से इसे बना सकती हूं। और जब भी कोई साग लेकर आते हैं तो मैं कोशिश करती हूं कि एक दिन पहले ही साफ करके रख दे, क्योंकि दूसरे दिन अगर मुझे बनाना हो तो उसे साफ करने के लिए बहुत वक्त लग जाते हैं। तो इस तरह से मैं पहले ही साफ करके रख देती हूं। और ये साग की बात नहीं, अगर मुझे ऐसा कुछ सब्जी साफ करना होता है जिसमें ज्यादा वक्त लगते हैं तो मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि एक दिन पहले ही साफ करके रख दे। और यहां देखिए सजना के पत्ते को साफ करते करते हमारा शाम हो चुका है, तो अब हमारा काम है कि जो अंडे हम जहां रखते हैं वो ट्रे को जलाकर चारों तरफ लगा दे ताकि जो भी मच्छर हो या कीड़े मकोड़े हैं वो भाग जाए। तो देखिए इस तरह से हम करेंगे। और अभी शाम का वक्त है, तो यह काम खत्म होने के बाद मैं करूंगी कि अभी मैं पहले सासू माँ को पहले मालिश कर दूंगी, उसके बाद ही मुझे जो भी करना है वो मैं करूंगी। और हमेशा मैं शाम के वक्त डिनर बनाने से पहले या डिनर बनाने के बाद हमेशा सासू माँ को मालिश कर देती हूँ ताकि उसे आराम मिले। और वैसे भी अभी ठंड का वक्त है और इस उम्र में तो ठंड के वक्त शरीर तो हमेशा दर्द होता ही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह से मालिश कर दे ताकि जो भी दर्द है या तकलीफ हो वो थोड़े कम हो जाए। और यहाँ सासू माँ का मालिश करने का काम खत्म हो जाए तो मैं जाऊंगी डिनर बनाने के लिए, क्योंकि अभी लगभग 6 बज गए हैं तो मुझे डिनर भी जल्दी बनाना है। वैसे तो मैं डिनर हमेशा 5 बजे से ही स्टार्ट करती हूँ बनाने के लिए, पर आज ये हुआ कि सजने का पत्ते को साफ करने के कारण हमारा थोड़े लेट हो गए हैं। तो यही कारण है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझे काम करने का थोड़े लेट हो जाते वो काम मैं पहले ही कर देती हूँ, पर आज तो हमारा थोड़े लेट ही हो गए हैं। पर कोई बात नहीं, कभी कभी तो ऐसा होते ही है। तो यहाँ मैंने दिन को ही मिर्ची को अच्छी तरह से धोकर रख दिए थे ताकि जो भी पानी वो निकल जाए। तो अभी मैं ये करूंगी कि जितने मिर्ची के डंठल है वो निकाल दूंगी ताकि हमारा मिर्ची लंबे समय तक चले। तो यहाँ मैं अब तैयारी कर लेती हूँ डिनर के लिए। तो आज हम डिनर में बनाएंगे पराठे और लौकी की सब्जी। और हमारे रेयान तो लौकी की सब्जी खाते नहीं, तो उसे मैं दाल या दूध के साथ दे दूंगी। और बच्चे के कितने नखरे होते हैं वो तो आप लोगों को पता ही है, तो मैं कोशिश करूंगी कि लौकी के साथ दे दे। अगर ना खाए तो दाल और दूध तो है ही, उसी के साथ दे दूंगी। तो अब मैं जल्दी से लौकी की सब्जी को काट लेती हूँ। तो जी यहाँ हमारा लौकी काटने का काम हो चुका है, तो हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो मैंने यहाँ जीरा, सरसों और हरी मिर्च डाल दिए हैं, तो हमने जो लौकी काट के रखे थे उसे भी यहाँ डाल देते हैं।
और आज हम लौकी की सब्जी को एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे, वो भी बिना मसाले के। तो यहाँ हमने डाले हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और ढककर हम 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकाएंगे ताकि हमारे लौकी की सब्जी अच्छी तरह से गल जाए। और टमाटर को हम बाद में डालेंगे, अगर अभी डालेंगे तो लौकी हमारे जल्दी पकेंगे नहीं। तो चलिए अब हम रोटी की तैयारी कर लेते। तो सारे लोहियों को हम बेल लेते इस तरह से पहले। और सूखी रोटी को तो बनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगते, पर पराठे को बनाने के लिए थोड़ी वक्त लग जाते हैं। तो मैं इस तरह से पहले बेल लूंगी, उसके बाद ही बनाऊंगी ताकि हमारी रोटी जल्दी बन जाए और गैस भी हमारा थोड़े बच जाए। और मुझे जब भी रोटी बनाना होता है तो मैं पहले बेल के इस तरह से रखती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ ताकि हमारा कम समय लगे और गैस भी हमारा थोड़े बचे। तो यहाँ हमारे लौकी थोड़े गल गए हैं, तो यहाँ मैं काट कर डाल देती हूँ टमाटर। और टमाटर काट कर डालने के बाद मैं उसे 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में दोबारा पका लूंगी ताकि हमारा लौकी और अच्छे से पक जाए और टमाटर भी। और जब भी मैं पराठे बनाती हूँ तो हमेशा मैं ट्रायंगल या फिर स्क्वायर शेप में ही बनाती हूँ, मुझे उस तरह से बनाकर पराठा खाना पसंद है। और जो राउंड शेप में पराठे होते वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो अच्छे से फूलते भी नहीं और मुझे पसंद भी नहीं, तो मैं बनाती नहीं। तो यहाँ हमारा बेलने का काम तो हो चुका है, तो अब मैं बना लेती हूँ फूली फूली और एकदम मजेदार पराठे। और ठंड के वक्त अगर इस तरह से पराठे या फिर आलू के पराठे मिल जाए तो क्या बात है। वैसे तो अभी फिलहाल मार्केट में नए आलू आए नहीं, अगर आ जाए तो मैं आलू पराठे जरूर बनाऊंगी। और जो नए आलू होते हैं उसके आलू के पराठे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ देखिए बातों ही बातों में हमारा पराठे बनाने का काम हो चुका है। और यहाँ देखिए हमारा लौकी भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो यहाँ हमारा लौकी की सब्जी अच्छी तरह से पक चुके हैं और रोटी बनाने का काम भी हमारा हो चुका है। तो सभी को मैं दे देती हूँ ताकि जल्दी सभी लोग खा ले। तो सभी का डिनर हो चुका है, तो मैं अभी करूंगी कि थोड़े से किचन की साफ सफाई। तो यहाँ जो भी थोड़े सब्जी बच गए उसे मैं दूसरे बर्तन में खाली कर देती हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले चूल्हे को साफ करूंगी, उसके बाद मैं बाकी काम करूंगी। और मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, मुझे जब भी साफ करना होता है किचन का तो सबसे पहले मैं चूल्हे को ही साफ करती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरे काम करती हूँ। और 2-3 दिन हो गए थे मैंने इस तरह से साफ किए हुए, तो आज मैं अच्छी तरह से चूल्हे को साफ करूंगी। और यहाँ का साफ होने के बाद मैं ये करूंगी कि दिन भर मैंने जो भी डब्बे का इस्तेमाल की हूँ या जो भी डब्बे मैंने टच किए वो डब्बे को मैं गीले कपड़े से इस तरह से साफ कर दूंगी। और दिन भर जो भी हम डब्बे या मसाले यूज करते हैं तो हाथों के कारण थोड़े गंदे हो जाते हैं, तो इस तरह से हल्के से आप रोज साफ करोगे तो आपके डब्बे ज्यादा गंदे नहीं होंगे। और हल्के से इस तरह से आप रोज कर दोगे तो आपको ज्यादा साफ करने के लिए वक्त नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर इस तरह से आप पूरे डब्बे को निकालोगे तो बहुत वक्त लग जाएंगे साफ करने के लिए। तो हमेशा मैं इस तरह से साफ करती हूँ ताकि मुझे सारे डब्बे को निकाल कर बाद में ज्यादा साफ करने के लिए वक्त ना लगे। तो अभी मैं ये फ्रिज को भी साफ कर लूंगी, क्योंकि दिन भर तो ये खोलना और बंद करना तो लगा ही रहता है, तो इसे भी साफ करना जरूरी हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ मैं इंडक्शन को भी साफ कर लेती हूँ और ग्राइंडर को, क्योंकि इंडक्शन में हम जो भी बनाते हैं थोड़े मोड़े गिर जाते हैं और ग्राइंडर में जो भी हम मसाले पीसते हैं तो वो थोड़े लग ही जाते हैं, तो दोनों को साफ करना जरूरी है। और मैं हमेशा यह करती हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी मैं टच करती हूँ या जो भी सामान का इस्तेमाल करती हूँ रात को सोने से पहले मैं जरूर साफ करती हूँ ताकि दूसरे दिन मुझे साफ सुथरा मिले। और इस तरह से हल्की फुल्की रोज साफ करोगे तो आपका घर भी गंदे नहीं रहेंगे और आप जब साफ करोगे तो उस वक्त आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेंगे। तो मैं तो हमेशा इस तरह से करती हूँ ताकि मुझे साफ करने के लिए ज्यादा वक्त ना लगे। साफ सफाई का काम तो हमारा हो चुका है, तो अब धोने का काम है। तो जल्दी से मैं सारे बर्तन को धो देती हूँ। तो यहाँ हमारा धोने का काम हो चुका है, तो अब मैं ये करूंगी कि ये बेसिन को अच्छी तरह से धो देती हूँ। तो देखिए लकड़ी की मदद से मैं इस तरह से करूंगी ताकि जो भी हमारा ब्लॉक हो गए वो आसानी से निकल जाए। और मेरे ख्याल से तो ये जगह बहुत अच्छी तरह से साफ होना जरूरी है, क्योंकि जो भी हम खाने के बाद बर्तन है यहीं रखते हैं या जो भी धोने का काम है यहीं करते हैं, तो ये जगह साफ होना बहुत जरूरी है। तो हमेशा इस तरह से साफ करने के बाद मैं ये करती हूँ कि डेटल लिक्विड इस तरह से डाल देती हूँ ताकि ये जगह हमेशा साफ रहे। तो किचन का सारा काम खत्म होने के बाद मैं लास्टली ये करती हूँ कि बाथरूम में आती हूँ और इस तरह से चारों तरफ पानी डाल देती हूँ। उसके बाद मैं ये करती हूँ कि एक बकेट पानी लेती हूँ और उसमें डालती हूँ लाइजोल या फिर डेटल लिक्विड, और डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लेती हूँ और चारों तरफ ये पानी को डाल देती हूँ। और ये काम को मैं सोने से पहले जरूर करती हूँ, क्योंकि बच्चे का घर है तो ये काम करना जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह से किया जाए तो जो भी बाथरूम में आपका थोड़े मोड़े स्मेल है या थोड़े गंदे होते हैं वो हट जाएंगे। तो ये काम को मैं हमेशा करती हूँ क्योंकि दूसरे दिन मुझे बाथरूम एकदम साफ सुथरा मिले। तो मेरे पूरे परिवार, आज आप लोगों को मेरी ये रूटीन कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत जरूरत है, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, आप लोगों से फिर मिलती हूँ एक नई दिन और एक अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।